मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। फिर वो क्या है कि मैडम चले जाएंगे क्या मतलब है? चलो लो बता मैं ग्राम पंचायत रामा की सरपंच हूँ। गांव रामा ग्राम रामा पंचायत की जो प्रायों की भागल है वो है राजस्व गांव है। वहाँ पर आदिवासी और गरीब लोग रहते हैं। उनको वन विभाग वालों ने नोटिस दिया है कि जो जबकि वहाँ के लोग 150 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। उसके संबंध में हम यहाँ ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या लिखा गया? जमीन को खाली कराने के लिए, जबकि उनकी खातेदारी जमीन भी है और वो पेलेंटी भी भर रहे हैं कब से, और फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। पंचायत की तरफ से क्या किया गया है इसको? मैं सब लोगों को समझाया है और आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। पंचायत के वन विभाग से की बात हुई कि क्या नहीं हुई? नहीं, अभी हमारे कोई बात नहीं हुई। कौन उन्होंने डायरेक्ट नोटिस दी? मेरा नाम लक्ष्मी राजपूत। शक्ति सिंह जल्ला है। मेरे लगभग परदादा जी को नोटिस आया है, दादाजी को भी नहीं, परदादाजी को आया, जिनकी डेथ हो चुकी है। केसर सिंह जी के नाम से नोटिस आया है, इनके दादाजी के नाम से नोटिस आया, राम सिंह जी के नाम से नोटिस आया, ऐसे ऐसे करके लगभग 37-38 जनों को, 40 जनों को लगभग नोटिस आया है। तो 40 जनों को इक्वल टू करते हैं, 13 तारीख को आया है सर। नोटिस में क्लियर ये लिखा है, आप जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है राजस्व गांव पराया की बागल में वन भूमि खसरा। इसमें एक हमारी जो खातेदारी जमीन है इस पे खाली हम खेती कर सकते हैं, खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लगभग वन विभाग तो वहाँ पे बाद में आया, उससे पहले ही हमारा गाँव वहाँ पे बच चुका था। 150-200 साल पहले से हमारा गाँव वहाँ पे बच चुका था। तो उसके अलावा क्या किया कि इन्होंने नोटिस दे के एक खातेदारी जमीन पर नोटिस दिया हमको कि आप इस पर कुछ कर नहीं सकते। तो खातेदारी जमीन तो हम खुद अधिकृत है वहाँ पे, हमारी जमीन पर आज जब 40 जन है उस टाइम के जो बंदे उनको नोटिस दिया, 40 इक्वल टू आज 4-4 बच्चे हुए, तो 150 लोग परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, 100 से 150 परिवार, इन परिवारों को नोटिस दिया है। और 100 से 150 परिवार अगर घर बनाएंगे, किसके 4 बच्चे हुए वो अलग अलग घर बनाएंगे तो वो कहाँ बनाएंगे? आप अगर उनको खेती की जगह पे घर भी बनाएंगे कुछ भी करेंगे तो उनको नहीं बनाते। तो वन विभाग की जमीन तो है नहीं, खातेदारी जमीन है वो, तो कल को आके वन विभाग कह देगा ये जमीन ही हमारी है तो हम रहेंगे कहाँ पे? अधिकारी से बात हुई, एसडीएम मैडम से हमने बात की, एसडीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब से वो बात करके इस पर जल्दी कोई समाधान का रास्ता निकालेंगे।